ये सरकार ना गरीब बच्चों को अच्छा पहनाना चाहती है, ना गरीब बच्चों को अच्छा खिलाना चाहती है, ना ही गरीब बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहती है। तो आखिर ड्रग्स के नाम पे घोटाला, ये पैसा कौन ले जा रहा है? खेल कूद के नाम पे जो फिक्स मिले हैं उसका घोटाला, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और ये जो सामग्री है 3137 स्कूल कम से कम 5000 रुपए लिए गए, ज्यादा से ज्यादा 16000 रुपए तक की भी रसीद है जिन लोगों ने लिया है। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वही सामग्री 16000 में भी दे रहे हो आप? हालांकि कुछ सम्मानित साथियों ने अपने अपने प्रमुख अखबारों में इसको खबर भी बनाई है और हमने भी विधान परिषद में सवाल लगाया है। आप लोगों के माध्यम से जवाब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सदन में हम अधिकारियों को तलब करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी महंगी पेंसिल आपको कहां से मिली, कितनी महंगी घड़ी आप कहां से ले आए। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो सरकारी स्कूलों में। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार है, किस तरीके से सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार है, केवल बंदर बांट हो रहा है। तो ये बंदर बांट कौन कौन बांट रहा है ये हम जानना चाहते हैं और हम आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। भला उम्मीद मुझे कम है, फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उन्हीं से उम्मीद करेंगे कि वो इसकी जांच कराएंगे और अगर वो खुद पैसा ले रहे हैं, सरकार पैसा ले रही है, तो जनता को बताएंगे। और अगर केवल अधिकारियों ने पैसा डकारा है तो जब तक वो अधिकारी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे।